राम राम साहब, हंसराज जी, ये हमारे शैतान कटाना जी, ये रामेश जी, ये हमारे एमी भी इधर गीत गाने की कोशिश कर रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब बहुत ज्यादा बढ़िया और अच्छे होंगे। भाई साहब, दो दिन से तो ना मेहमानों की लोटरी लगी हुई है हमारे घर पे। खुशीराम जब भी आता है ना, गेस्ट लेके आता है। और अतिथि देवो भव, माँ बाप सिखाते हैं कि भाई अतिथि से बड़ा कुछ नहीं इस दुनिया में। कल कौन आए थे अपने घर पे? कल तो सिंगर हंसराज जी बड़े बड़े आए थे, है ना? वापस फिर आ रहे। अभी मैं मिलाता हूँ नए गेस्टों से। ये हमारे भाई साहब बड़े हनुमान भैया, और ये भी इन्हीं के गाँव के, और ये भी हमारे बियाई जी है इन्हीं के गाँव के। कैसे हो आप भाई साहब? बढ़िया जी। बस गिलास। चाय कैसी लगी? बिल्कुल राइट। खाट श्याम जी के दर्शन हो गए? बहुत अच्छे हो गए भैया। आप तो पहली बार आए हो यहाँ पे, कैसे लगा आपको? इधर तो घर ही होता है। कुंड में कौन है? कुंड में पानी कौन है? पानी कौन? पानी खत्म हो गया, कलयुग आ गया ना। अभी बढ़िया खातिरदारी की है तुमने यार। बिल्कुल खातिरदारी करना तो बनता है यार, मेहमानों की तो खातिरदारी नहीं होगी तो क्या फायदा। मेरी बड़ी बुआ का लड़का है ये। बाद में आप सब कमेंट करोगे कौन है कौन है कौन है। मेरी बुआ का लड़का है बड़ा वाला, और छोटा वाला पुलिस में है। गाइस, ये वीडियो क्लिप रात की है। शिमला जी हमारे घर पे आई थी, तो इनकी मेहमान नवाजी कर रहे हम लोग। दाल बाटी बनाए थे। मैं कहा इतने दूर से आए खुशीराम भाई सब, तो दाल बाटी बनाया जाए और खाया जाए। तो हमारी छोटी सी फैमिली विथ हमारे गेस्ट साथ में मिलके खाना खा रहे हैं। ये मेरी बुआ का लड़का है जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, एमए को ले रखा है। इस साइड में ये इन्हीं के गांव के हमारे बीआईजी लगते हैं। ये पिंटू जी, ये हनुमान भैया है जो मेरे पापा की बुआ का बड़ा वाला लड़का है। तो मेरी भी बुआ हुई ना। कोल्ड ड्रिंक पिलाने के थोड़ी ही देर बाद में हमने इनको चाय बिस्कुट और नमकीन का नाश्ता करवा दिया। दोस्तों, मेरे बुआ के लड़के वगैरह गए ही थे, उतने में ही सिंगर हंसराज जी हमारे घर आ जाते हैं हमसे मिलने के लिए। तो मैं जाके राम राम करके हाथ मिलाता हूँ सभी से। सिंगर राम में तो सिंगर शैतान खटाना, हंसराज जी, बाकी उनके साथी, सभी भाइयों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ। काफ़ी अच्छा मूवमेंट है मेरे लिए। मैं छोटा सा था तब से हंसराज जी के गाने सुनता था, तो काफ़ी अच्छा लगता था। और सिंगर शैतान और रामेश तो मेरे कम से भी कम नहीं तो 2016-17 के मित्र हैं। आज 6-7 साल हो गए तब से मैं इनको जानता हूँ। और मैं पहले बूंदी जाता था, इनके साथ खूब घूमता था, हमारे खूब अच्छे अच्छे पल साथ में है। तो सभी से मिलके काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोगों की बातें चीतें चलती है, उतने में ही अंकिता और शिमला जी आ जाती है, उनसे भी राम राम होता है, हाल चाल पूछे जाते हैं। राम राम जी गाइस। तो अभी रात के हो गए 9:30, और आज हमसे मिलने के लिए आए हैं सिंगर साहब, हमारे भाई साहब। इतने पुराने सिंगर हैं, मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ इतना बड़ा हो गया, 24-25 साल का, 10-12 साल का आदमी समझने लग जाता है। हम तो एक ही सिंगर सुनते थे, सिंगर हंसराज जी कड़मे वाले। भाई साहब, इनका जैसे जैसे ट्रेंड चला ना, पहले वो छठा का गणा का ट्रेंड चलता था, तो उसमें भी इन्होंने तो भाई तहलका मचाया था। फिर भजनों का चला, सिद्धि उन्होंने भगवान के भजन चले, उनमें भी खतरनाक कैस्टे चलती थी इनकी। और अभी जो चल रहा है, एक गाना तो आया था राबड़ी खाना, अरे पता नहीं कौन सा भी, तो सो चल रहे हैं इनके गाने। मतलब इतने प्यारे गाने गाते, इतनी प्यारी आवाज इनकी, मजा आ जाता है। तो आज उनसे मिलाते हैं आपको। उनके साथ में एक मेरे साथी मित्र है, जब हमने भी हमारी आवाज तो ऐसे कागले जैसी है, पर हमने भी स्टार्ट किया था कि पहले चलो करते हैं कुछ तो नया, तो हमारा तो नहीं पड़ी पार, लेकिन अभी इनकी हो गया, भगवान अच्छा कर रहा है। तो मेरे दो मित्र और भी है, तो सबसे मिलाते हैं आपको। राम राम साहब। तो ये हमारे हंसराज जी, ये हमारे शैतान कटाना जी, ये रामेश जी। तो ये दोनों तो मेरे बहुत पुराने मित्र है, ये तो हमारे गुरुजन जैसे हैं, और ये इनके साथी भाई हैं, दो भाई इधर भी है। राम राम भाई। ये हमारे एमए भी इधर गीत गाने की कोशिश कर रही है। बेटा अभी तेरा सुर लगेंगे नहीं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। आउट जाओगी कशा ना वो उठिन। अच्छा करे देखो, मैं तो बचपन से यार इसकी सोच रहा, मैं सासू भाई हंसराज जी से मिलेगा। मैं एक बार माँ की सत्य माता से यहाँ का गाँव में कड़मिया में, तो मैं गया भी चाह तो मिलर भी आई थे, पर रोड पे मुलाकात हो रही, खास मुलाकात कौन हुई जल्दीबाजी में, थे भी कहीं ना कहीं जा रहा था शायद। अच्छा डीजे वाले भैया, इवेंट का, चलो बढ़िया है। फिर हमारे तो शादी आने वाली है बैंड भाई की, तो कौन? रानी जयंती। रानी जयंती। अच्छा, रानी जयंती डीजे सही है यार, पकड़ा हो तो फिर चेंज कर दियो। नहीं बढ़िया है, नहीं रानी जयंती सही है नाम, कोई फोन करता वाला यही बोलता वाला रानी जयंती ले राजा। जो एक चोरो उधर पापा सो एक दिन वो गया जी दिन के कहे पापा मैं रानी जयंती देखूंगा, अब का पापा सोचा भाई कोई नाच बाड़े आ रही होगी, अब वो जिम बा चल गयो शाम की, वो जिम लियो, फिर भी वो कहे पापा मैं रानी जयंती देख रही जाऊं, अब का पापा सी रानी जयंती कौन जर भाई डीजे कोट लाके पापा ही आए, फिर वो मां सवार गया वो जरा आपड़ी कानो गानो। अच्छा, आपड़ी कानो गानो या कुछ नहीं, मजा आ गया, गानो खूब चले जो बिल्कुल एक तरीके से, तो ये मान लो कि जबरदस्ती बनवाई नहीं, नहीं तगड़ो गाना जो काको पति जो, ये शैतान कटाड़ो, ये रानी जयंती वाला जो, ये दोनों से तुम्हारी मुलाकात होती रहो जो। बढ़िया है, आप इनके गुरु हो, बढ़िया बढ़िया गीत
बनवाओ इनसे। पर बताओ तुम्हारी नजर में गाना यहाँ का चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल थका चल रहा था। सिंगर का गाना जसो माहौल वशन का बन गया और सिंगर ना वशन को रहना चाहिए। जसो ट्रेंडिंग चीज चला जाना वशन को काम करते रहना चाहिए। यहाँ की लाइफ में सारा काम कर लिया। ये टाइम पे तो जबरदस्त गीत चल रहा है बिल्कुल। हाँ मैं भी गई चारों धाम ढोक लिया और लाइव आते थे। एक बात बोलते थे भाई साहब पिछला लाइव वीडियो देखो तो भी कौन देखा मैं तो पढ़ 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 दिया था। हाँ वक्त वक्त की बात है। वक्त कब बदलता है उसका इंतजार करना चाहिए अपने को। अब बदल गया ना कोई बात नहीं। थोड़ा लेट बदला लेकिन बदला। हाँ समय सबको बिल्कुल बिल्कुल भाई मेहनत तो कतरी बताऊ यार मैं पटने आप और धीरे धीरे पड़ा 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 कड़ा खड़े की यार उड़े ट्रेन हम धक्का खाता गया। बिल्कुल भाई बिना मेहनत है ना बजा वालो डोल के आलो पेटी आलो लारन ले। अच्छा टीम पर खाना मन रिकॉर्डिंग थीना नहीं खुद नर मुनि बजाए जी और गायो यो जे बकरो जान म चले और वो चालियो। हां फर्स्ट गाना था ना आपका वो फर्स्ट गाना था वो जमर चला हम गाने को ना लाली गुजरी की इनकी जोड़ी तगड़ी चली थी उस टाइम पे। हाँ हमारे तो प्रोग्राम करवाते थे ना ऐसे बोलते थे उनको बुलाएंगे लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इनके प्राइस भी उतनी रहती थी उस टाइम पे यार 1000 2000 5000 रुपए बड़े मुश्किल से आओ जाते मेरे पास। 3000 में तो आशीन में प्रोग्राम करया जा मैं गांव से कार ले 3000 में तो शिवाड़। हां उतरा फीस है जा है ना आशीन में शिवाड़ में वही तो बात है ना। और आज 3000 में आप दे ही नहीं जा सकते। दे जा रहा होगा तो 3000 रुपए खर्च होता है। दे जा रहा हूं मैं 10-5000 दे रहा हूं। चलो बढ़िया है अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे आए हो तो। हमको भी बहुत अच्छा लगता है गाइस जब बड़े बड़े आते हैं तो सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। सही है अब रामेश तो बढ़िया कर रहा है काम मेरे को खुशी होती है मेरे साथ का कुछ अच्छा कर रहा है है ना खुशी का कुछ है बिल्कुल। ये तो सब लिखवा लाना पड़ेगा जाकर। मैं भी खजे सोचे कौन जो था सुमा की मुलाकात होगी बिल्कुल धन्यवाद यार भाई शैतान पाड़ा वाड़ा की अचेतन फोटो उठ लिया जावा। मेरा राजस्थान पुलिस का एग्जाम था उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन होता उस टाइम पे मैं पास हो गया था राजस्थान पुलिस उसके बाद लोमरिस के बाद गया तो इन्हीं के साथ एग्जाम था मेरा। एग्जाम दे के फिर ये मेरे को घुमाने लेके गए थे बूंदी के वो देव जी भगवान है ना उसके साइड में पहाड़ जाता है ऊपर उस पे तो वो याद है वो फोटो वोटो पड़े हैं बार मेरे पास तरह। सही है यार फिर तो भाई दोस्ती है। अभी कल परसों के दिन ये खुशीराम और बात कर रहे थे इसकी कि यार शैतान माओ गीत गाए मैं यार बात तो करा मारो भी मित्र से तो परसों के दिन बात हो लेकिन बताया कौन भाई मैं आऊँ था गाड़ी और आ जाए क्या कोई दिक्कत हो ना खाटू श्याम जी जो भी आओ ना खाली हाथ ना जाओ बहुत बढ़िया देवता है आज का टाइम का नहीं गाना बढ़िया जी यार। चलो बढ़िया लगे भाई मजा आ गया तो सर सब लोग मिले थे जयपुर का महीना कभी आपको कौन होता गाड़ी अगर आता तो मैं जरूर से जरूर था जरूर वेलकम आपको बूंदी में आओ कभी भी बिल्कुल अब जरूर आएंगे आपके घर पे एकदम से मतलब फुल न्यू बीएस का ग्रे ये बहने भट्टी कटी तो बीएस पास इतने कस्टम हो गए ये बस रे की लड़ाई हो चुप चुप तो ला गाजी सर ये बात सुन लो तो सर नाम जोर में लगे जा गांव डूब नहीं ला रहे गाजी अंदर अंदर में पेट में ये क्यों नहीं है ये बात कर रहे हो हाँ सुन ले बड़ी गणन इशारा करके थका नहीं पता कर देगी तू वायरल हो जाएगी वीडियो एक चाल तो वो आ जाओ बोले जैसे अरे तू सुन इशारा करना क्या फांस फांस ले तो नहीं अब दोनों पत्र वाले में उच्च पकड़